Redmi K50i लोगों के लिए सबसे बड़ा पिक इसीलिए था क्योंकि इसके अंदर आपको PUBG 90 FPS के अंदर सबसे सस्ते दाम में आई थिंक देखने के लिए मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे यार आपको IQ Neo 6 भी देखने को मिलता है जिसके इसके अंदर भी यार आपको PUBG 90 FPS में मिल जाएगा। लेकिन जब दोनों में PUBG ही बैन हो गया है तो आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा? अगर PUBG को असाइड रखें, कौन सा आपके लिए यार, चाहे वो डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो, बिल्ड हो, ओवरऑल UI का एक्सपीरियंस हो, किस में बेटर आपको देखने को मिलता है, आज की वीडियो में आपको यहाँ पे पूल टू बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम गवाए आ जाओ मेरे साथ, पॉपकॉर्न चालू रखो, एयरफोन लगा लो, आपको बताता हूं कौन सा आपके लिए यहाँ पे बेटर डील है IQ Neo 6 वर्सेस Redmi K50i के बीच में। तो अभी तक आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाला बटन दबा दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड और डिजाइन की। यहाँ पे देखो कोई भी दो राय आपको यहाँ पे नहीं दूंगा कि यार मैं क्लियर कट आपको कह सकता हूँ Redmi K50i थोड़ा लंबा फोन मिलता है, थोड़ा मोटा फोन देखने को मिलता है, थोड़ा हैवी फोन भी देखने को मिलता है। अब देखो बैटरी भी इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा जरूर से दी गई है, लेकिन इन हैंड फील एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो IQ Neo 6 यहाँ पे थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। ये फोन पतला भी है, फोन लंबा भी आपको जरूर से मिलेगा, लेकिन ये चौड़ा थोड़ा सा ज्यादा है Redmi के कंपैरिजन में। अब क्लियर कट आपको बताऊं तो बैक से दोनों में ही प्लास्टिक मिल जाता है, लेकिन एक प्लास्टिक वो होता है ना थोड़ी सी प्रीमियम फील देने वाला, वो मैं कहूंगा क्लियर कट यहाँ पे IQ देता है। अब Redmi का बेकार नहीं है, लेकिन Redmi का एकदम सिंपल बॉल्ड सा आपको देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मैं बताऊं तो Realme के स्मार्टफोन की वाइब मुझे दे रहा है। आप बताओ आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। Neo 6 का आपको थोड़ा सा एक अलग वाला देखने को मिलेगा, खुरदुरा वाला देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको कोई भी स्क्रैच नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्मचेस देखने को मिलेंगे। Redmi में यहाँ पे आपको थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट स्मचेस अलग टाइप वाले देखने के लिए मिल जाएंगे, थोड़ा सा स्मूथ आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। पर्सनली मुझे इन हैंड फील हल्के के मामले में यहाँ पे IQ Neo 6 ज्यादा लगा है। यहाँ पे यार आपका जो Redmi है लंबा है, थोड़ा सा मोटा आपको देखने को मिल जाएगा, और प्रीमियम फील भी थोड़ी सी Neo 6 यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करता है, ये मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे कह दूँ। लेकिन हाँ, Redmi में आपको एक चीज बेटर मिल जाती है कि 3.5 mm जैक का गड्ढा मिलता है। अब गेमिंग को असाइड रखें तो उसके बिना भी अगर आप 3.5 mm जैक से म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो क्वालिटी काफी अच्छी यहाँ पे निकाल के देता है। Neo 6 यहाँ पे उस मामले में थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है, और पीछे पड़ जाता है जब आप बात करो डुअल स्पीकर की, तो यहाँ पे डेडिकेटेड स्पीकर Redmi लेके आता है डॉल्बी के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और उसकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है, लाउड है, बेसी म्यूजिक निकल के आता है। तो डे टू डे एक्सपीरियंस में ना यहां पे इसका डुअल स्टूडियो स्पीकर जो है बेटर साउंड करता है। Neo 6 का ठीक ठाक सा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके Redmi के कंपैरिजन में Neo 6 को और भी ज्यादा मैं कहूंगा वर्क करने की जरूरत है, लेकिन दोनों में यार आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, दोनों में चुक 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 करके यार टीवी का रिमोट आप बना लो, दोनों में वो मिलेगा। एंड हैप्टिक्स वगैरह की बात करूंगा तो टफ कॉम्पिटिशन है दोनों में। इंप्लीमेंटेशन में कहूंगा Redmi का थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको UI के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, तो वो थोड़ा अच्छी फील मुझे यहाँ पे पर्सनली देता है। IQ का ठीक जरूर से मिल जाएगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और भी जगह करा जाए ना तो और भी बेटर किया जा सकता है। फिलहाल मैं कहूंगा Redmi का थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाएगा। अब देखो दोनों के ही अंदर आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा, दोनों में ही आप नैनो सिम लगा सकते हो, दोनों में 5G बैंड भी काफी सारे मिल जाते हैं, लेकिन Neo 6 की कमी कहां आती है कि इसके अंदर 4 5G बैंड देखने को मिलते हैं। ये जरूर से कम है अगर Redmi के कंपैरिजन में, जिसमें आपको 12 5G बैंड मिल जाएंगे, लेकिन अभी 5G का ऑप्शन हुआ था तो कंफर्म हो गया था, तो जितने बैंड हैं सारे बैंड आपको Neo 6 में मिलेंगे। 5G दोनों में ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आई थिंक यार Redmi में थोड़ा और बेटर वर्क करना चाहिए, लेकिन जब आएगा तो वो चीज पता चलेगी। लेकिन एक और चीज यहां पे बता दूं, 4G प्लस का भी जो नेटवर्क है दोनों में ही काफी अच्छा मुझे देखने को मिला है। बाकी UFS 3.1 की स्टोरेज भी दोनों में मिल जाती है। और एक और मेजर डिफरेंस यहां पे मैं बताऊंगा ना, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, कि IQ के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, Redmi में वही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। पर्सनली यार यूज करने में साइड माउंटेड मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन आप बताओ आपके लिए इन डिस्प्ले ज्यादा बेटर है कि ये साइड माउंटेड वाला ज्यादा बेटर है? अब यहां पे साइड माउंटेड की बात हो रही है या डिस्प्ले की मैं बात ही कर लेता हूं। अब देखो क्लियर कट एक चीज आपको बता सकता हूं कि Redmi की डिस्प्ले चाहे जितनी भी अच्छी यार स्पेसिफिकेशन के साथ आए, LCD है और यहां पे AMOLED आपको देखने को मिलती है। अब देखो दोनों में ऑलमोस्ट स्क्रीन साइज सिमिलर ही है, 6.62 इंच की ऑलमोस्ट दोनों में बराबर मिलती है। बस ये है कि Redmi में टॉलर डिस्प्ले है और जैसे मैंने बताया IQ में थोड़ी सी चौड़ाई वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। आई थिंक चौड़ाई वाला कंटेंट थोड़ा सा बेटर आता है लंबाई के मुकाबले, वो चीज आप यहां पे प्रेफरेंस में ले लो, लेकिन AMOLED वर्सेस LCD यहां पे मिलती है। एक तरफ यार Neo 6 में आपको E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि Samsung की है, 120 हर्ट्ज की आपको मिलेगी, 1300 हर्ट्ज की पीक ब्राइटनेस और स्कॉट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। Redmi के अंदर आपको 144 हर्ट्ज की यहां पे LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है और ब्राइटनेस आई थिंक 650 हर्ट्ज के आसपास मिलती है।
है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। अब देखो एक चीज आपको क्लियर कट दिखाऊं तो बेजल्स वगैरह यहां पे मैं तो क्लियर कह दूंगा कि नियो में पतले देखने को मिल जाते हैं, रेडमी में ऊपर या कैमरा का कटआउट भी बड़ा किया है, नीचे का चिन भी या बेजल्स भी बोलूं बड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। और एमोलेड वर्सेस एलसीडी में एक चीज और हो गई कि यार डिस्प्ले की अगर कलर्स वगैरह की बात करूं, चाहे जितना आप डॉल्बी एटमॉस दे दो डॉल्बी विजन का सपोर्ट दे दो, यार जो डीप ब्लैक्स एमोलेड यहां पे निकाल के दे रहा है बहुत ही बेटर आपको आईक्यू में देखने को मिलते हैं। चाहे मैं एंगल्स में भी आपको दिखाऊं ये बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, डीप ब्लैक्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे, कलर्स वगैरह भी आपको यार आईक्यू में अच्छे मिलते हैं। यहां पर ये नहीं कहूंगा कि यार रेडमी के डिस्प्ले बिल्कुल ही बर्बाद है, लेकिन यार एमोलेड है यार, बस मैं इतना सा आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, एलसीडी इतनी अच्छी नहीं है एमोलेड के मुकाबले, और आउटडोर ब्राइटनेस भी यार आईक्यू की ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, 1300 निट्स तक चली जाती है, रेडमी की थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, क्लियर कट आपको कह सकता हूं आईक्यू की डिस्प्ले बेटर देखने को मिल जाती है एलसीडी के इसके मुकाबले। बाकी अगर बात रहती है यार परफॉर्मेंस की, एक तरफ आपको डायमेंसिटी 8100 देखने को मिलता है, दूसरा स्नैपड्रैगन 870 मिलता है। अब 8100 जरूर से यार स्कोर्स वगैरह ज्यादा निकाल के देता है, चाहे एंटूटू देख लो, गीकबेंच देख लो, इवन सीपीयू थ्रॉटलिंग में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और यहां पर मैं जरूर से कहूंगा कि डे टू डे टास्क में भी यार दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इतना कोई भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा, चाहे वो ऐप ओपनिंग हो, ऐप क्लोजिंग हो, एनिमेशन वगैरह हो, दोनों में ही स्मूथ देखने को मिल जाते हैं। इवन यार MIUI के एनिमेशन काफी स्मूदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहां पर यार मेमोरी मैनेजमेंट भी दोनों का ही काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। वही अगर रिफ्रेश रेट की भी दिखाऊंगा ना, दोनों ही काफी स्मूथली चलते हैं, चाहे वो 144 हर्ट्ज़ हो या 120 हर्ट्ज़ हो, MIUI के साथ यार दोनों ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। 144 हर्ट्ज़ भी यहां पे स्मूथ रहता है, एंड फ्रंट टच ओएस में 120 हर्ट्ज़ भी आपको स्मूथ चलता हुआ मिलेगा। लेकिन मेन डिफरेंस जहां आता था वो तो है हमारा यार गेमिंग। अब देखो दोनों में ही BGMI में 90 FPS तक गेमिंग चली जाती है, गेम प्ले भी काफी अच्छा दोनों में ही मिल जाता है। मतलब अगर आप एकदम हैवी लेवल वाली गेमिंग करना चाहते हो तो आपको जरूर से रेडमी थोड़ी सी बेटर यहां पे करके दे देता है BGMI के अंदर IQ के मुकाबले। लेकिन एक चीज मुझे बताओ यार, एक्सट्रीम के अंदर आपको हाई सेटिंग में HDR में एक्सट्रीम मिल जाता है स्नैपड्रैगन 870 में, ये चीज यार डायमेंसिटी 8100 में क्यों नहीं देखने को मिलती है? उसमें यार सिर्फ अल्ट्रा सेटिंग वाली अनलॉक है, 90 FPS सिर्फ आपको स्मूथ में देखने को मिल जाती है और एक्सट्रीम भी सिर्फ स्मूथ में देखने को मिलती है। तो अगर आप हायर सेटिंग में ज्यादा डेप्थ के साथ गेमिंग करना चाहते हो वो आपको यार यहाँ पे IQ करके देता है, रेडमी वहां पे वो नहीं कर पाता है। अब जैसे कि यार PUBG बैन हो गया है तो आपके लिए अब ज्यादा गेम नहीं बचा है, तो डे टू डे वाले टास्क में तो दोनों ही अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, तो वो आप चीज वहां पे पिक कर लो। बाकी अगर UI की बात रही तो क्या ही बात करूं, एक तरफ आपको MIUI देखने को मिल जाती है, हॉन्टा चोएस देखने को मिलती है, दोनों ही एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस है, दोनों में ही ब्लोटवेयर वगैरह आपको जरूर से देखने को मिल जाएंगे। एस्थेटिकली अगर मैं बात करूं तो आपको यार MIUI यहाँ पे ज्यादा अच्छी भाएगी, क्योंकि फीचर्स वगैरह भी इसके अंदर अच्छे मिलते हैं, लुक वाइज भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि यार फ्रंट चोइस को थोड़े से इंप्रूवमेंट मैं कहूंगा जरूर से यार लुक वाइज में करना चाहिए। अब इसके अंदर IQ में बग्स वगैरह कम मिलते हैं, MIUI में थोड़े से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, ये वाला आपको डिफरेंस मिलता है। बाकी दोनों ही स्मूथ आपको मिल जाएगी, तो पर्सनली आपके ऊपर है पिक करने वाला कि आपको MIUI के बग्स चाहिए या आपको IQ की स्मूथनेस चाहिए, बग फ्री वाली UI चाहिए, तो वो चीज आप यहां पे पिक कर सकते हो, इजी है। वही बैटरी की बात रही तो यहां पे जरूर से आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, Redmi आपको 5000 mAh की बैटरी सी बैटरी देता है, IQ आपको 4700 mAh की बैटरी देता है। लेकिन यार फिलहाल मेरे यूजर्स में दोनों ही ऑलमोस्ट 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे दे रहे हैं, तो यूजर्स में यार दोनों ही अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि Redmi की अभी बैटरी और थोड़ी बेटर करी जा सकती है, क्योंकि बड़ी बैटरी है यार इसके अंदर, और यहां पे यार छोटी बैटरी है तभी 6.5 घंटे तक निकल जा रहा है, तो IQ की यार बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर रहेगी। और चार्जिंग भी यहां पे मैं कहूंगा IQ की बेटर मिलती है, 80 वॉट की चार्जिंग है, जो कि अराउंड 38 मिनट लेती है फुल चार्ज होने में। वहीं पर Redmi में आपको 67 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है, जो कि अराउंड 56 मिनट लेती है फुल चार्ज होने में, तो यहां पे यार IQ आपको बैटरी के मामले में फास्टर मिल जाता है। और लास्ट वाले सेगमेंट यहां पे मैं भाई आग बंद करके, मतलब आग खोल के ही बताऊंगा, लेकिन आपको बता सकता हूं कैमरा डिपार्टमेंट में कौन बेटर देखने को मिलता है। IQ यहाँ पे यार क्लियर विलेंट कैमरा डिपार्टमेंट पे आपको मिलेगा। अब देखो आपको दिखाता हूँ मेन कैमरा सेंसर से फोटोज वगैरह देख लो, दोनों ही आपको बैक में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। IQ में क्या मस्त डिटेल निकाल के देता है, कलर साइंस इसका बेटर देखने के लिए मिल जाता है, डायनेमिक रेंज बेटर आपको देखने को मिल जाता है। रेडमी ने पता नहीं क्या काम किया है इस बार कैमरा में यार, इतनी अच्छी आपको डिटेल या डेप्थ निकल के नहीं आती है, कलर्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, एकदम कॉन्ट्रास्टी निकल के आ जाता है और स्किन में एकदम स्मूथनेस लगा देता है, अच्छी नहीं मिलती है, ब्लैक एंड ब्लैक थोड़ी सी यार वो जो कॉन्ट्रास्टी जैसे मैं बोला हूँ पिक्चर निकल के आएगी, डिटेल्स वगैरह भी यार इंडोर के अंदर इतनी खास नहीं निकल के आती है। भाई साहब ये कैमरा के मामले में Redmi K50i में बताऊं तो स्मार्टफोन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भले ही मैं आपको यार डिस्प्ले के प्रोफाइल बोल दूं, परफॉर्मेंस बोल दूं, बिल्ड भी एक बोल दूं, लेकिन कैमरा इसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता। 8 मेगापिक्सल भी दोनों में अल्ट्रा वाइड मिलता है, यहां पे भी देख लो कि नियो वगैरह की डिटेल्स वगैरह कलर्स वगैरह काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे भी देखोगे कि कितनी बेटर फोटोज निकल के आती है सेल्फी कैमरा में। तो Redmi K50i पता नहीं क्या काम करता है, एकदम अजीब सी फोटो, एकदम डल सी फोटो, एकदम लो क्वालिटी वाली घटिया सी फोटो
निकाल के देता है। नियो 6 का मुकाबला ही नहीं है यहाँ पर तो यार, बहुत अच्छी फोटोज निकल के आती है, डिटेल्स वगैरह भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर किसी ने मुझे कहा के कमेंट किया ना कि फोन बिक चुका हूं मैं, भाई यार खुद अपनी आंख खोलो, दिमाग खोलो, फोटोज देखो, क्या रेडमी ने यहाँ पे कैमरा के मामले में काम किया आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों की जाके ओरिजिनल फोटोज देख लेना, बहुत क्लियर कट आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा आंख की अपनी बत्ती खोल के देखोगे कि रेडमी यार यहाँ पे कैमरास के मामले में बहुत ही बेकार काम करता हुआ मिला है। IQ यहाँ पे मच बेटर मैं कहूंगा देखने को मिल जाता है, मतलब अभी मैं क्लियर कट आपको इस दोनों के बीच में कंपैरिजन बोल सकता हूँ, IQ यहाँ पे बेटर स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है रेडमी K50i के कंपैरिजन में। इवन मुझे यार पोको F4 भी काफी बेटर लगा यार रेडमी K50i के कंपैरिजन में। आई डोंट नो क्यों रेडमी K50i को ज्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कट ऑफ ट्रेड ऑफ करी है सिर्फ आपको डायनेस्टी 8100 देने के लिए, और पबजी अब 90 FPS तो यार IQ में भी चल जाता है, इधर भी अच्छा सा आपको देखने को मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे यार K50i ज्यादा बेटर चॉइस आएगी, बाकी आपके ऊपर है यार, आप अच्छे समझदार हो। मिलूंगा आपसे एक और वीडियो के साथ, लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप फुल टू बता सकते हो। ड्रैग केयर, बाय बाय।